मंदसौर में आज जिला चिकित्सालय के आदित्य भवन में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। यह अभियान पूरे देशव्यापी अभियान है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रसित ना हो और स्वस्थ भारत में स्वस्थ बच्चे हों। इसी कड़ी में आज इस पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर मनोज जी पुष्प मंदसौर, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी मिश्रा जी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ML कश्यप, पल्स पोलियो अभियान से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी और मीडिया साथी मौजूद रहे। आज के पल्स पोलियो अभियान की एक खास बात यह रही कि मंदसौर जिला चिकित्सालय में आज सुबह दो जुड़वा बच्चों को भी जिला कलेक्टर मनोज जी पुष्प द्वारा पोलियो की दवा पिलाई गई। अभियान देशव्यापी है और इस अभियान में पूरे विश्व के क्षितिज पर हिंदुस्तान की जो छवि बनी है वो पल्स पोलियो को लेकर के और एक अद्भुत शैली बनी है। और मैं यहाँ पर स्मरण करूँगा रोटरी क्लब का, जिन्होंने प्रारंभ से इसको दो दशक से अधिक समय हो गया है, एक संकल्प लिया था रोटरी क्लब ने कि हर घर में हर बच्चों को जिनको आवश्यकता है उनको दो बूंद जिंदगी के लिए पल्स पोलियो को लेकर के और दवा पिलाएंगे। घर घर दस्तक दी रोटरी क्लब के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने, भारत सरकार ने भी इसको संकल्प के रूप में स्वीकार किया। और तब जब हम देखते हैं कि एक अभिशाप है जिसको कहा जाता था निःशक्त जन, विकलांग, फिर अब दिव्यांग हो गए, अगर दिव्यांगता के अभिशाप से अगर बच्चों को बचाना है तो दो बूंद दवा पोलियो की पिलाना है। और इसको लेकर के बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, सार्वजनिक स्थानों पर डोर टू डोर घर घर जाकर भी स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने दस्तक दी है, रैली निकाल करके जागरण पैदा करने की कोशिश की, जन जागृति बढ़ाने का काम किया है। और उसी का नतीजा है कि आज बड़े से बड़े व्यक्ति इस अभियान को सफल बनाने में अपील कर रहे हैं। कल ही अमिताभ बच्चन जी का न केवल ट्वीट आया बल्कि उन्होंने तो भारत सरकार के विज्ञापन में अपनी ओर से इसको सम्मिलित करते हुए इस बात का संदेश दिया है कि पल्स पोलियो अभियान किसी व्यक्ति, किसी समाज या किसी सरकार का नहीं है, वो आम जन का है और सब में सबको इसमें भागीदारी बनाना चाहिए। देशवासियों का ये दायित्व बनता है कि हमारे जो जन्म लिए बच्चे से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पल्स पोलियो की दवा पिलाएं। उसी संदर्भ में मैं मेरे पौत्र को लेकर के मेरी श्रीमती के साथ यहाँ पर आए और जिला चिकित्सालय में भी आज ही जन्म लिए ट्विंस को, जो एक बेटा है और एक बेटिया है, उसको भी हमको दवा पिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो का टीका लगाया जाता है और आज पूरे ज़िले में पल्स पोलियो का अभियान चलाया गया है और सभी जगह पल्स पोलियो में सभी को लगाया गया है। और पूरे ज़िले वासियों से निवेदन है कि जो भी 0 से 5 साल के बच्चे हैं, कोई भी बच्चा छूटने न पाए इसका ध्यान रखें और सभी बच्चों को पल्स पोलियो का टीका जरूर लगाएं। धन्यवाद।